जब हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमने भगवान को तो याद कर लिया, हम अपने एंसेस्टर्स को भी क्या याद करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं? कोई भी बोल सकता है, नहीं बोलना चाहे मैम मैं करती हूँ, मुझे आप करते हैं। बहुत वो होता है मैडम पूर्वजों डेली का। बेसिस पे हाँ करते हैं। अच्छी हूँ मैं, ओके, सो जब मेरा आप नाम मतलब जी है, डेली नाम बेसिस लक्ष्मी पे, मैम। हाँ सॉरी क्या कह रहे हैं आप? मैं भी करती हूँ मैम। नमस्ते मैम, ओके। सो देखिए, भगवान सब जगह हैं और भगवान में ज्यादातर हम सब लोग विश्वास रखते हैं, तो शायद उन विश्वास नहीं भी रखते हैं, या वो कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद कि हम उसमें उनमें विश्वास रखते हैं और वो हैं, फिर भी हम एवरीडे उनके सामने हाथ जोड़ते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, हम एवरीडे उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। उसी तरह से एंसेस्टर्स तो ऐसे हैं जैसे कि क्या आप ये कह सकते हैं, आप इस दुनिया में आए हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई तो है, आपके पेरेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स थे, तो ऐसा नहीं है आप आप क्या पहले हैं या आपसे पहले भी कोई है? आप इस चीज में तो बिलीव करते हैं ना, हर कोई बिलीव करता है ना कि हमारे माँ बाप से भी पहले कोई और था, उनसे पहले भी कोई और था, तो हम ये चीज में जरूर बिलीव करते हैं कि हमारे कोई एंसेस्टर्स थे, राइट? भले ही हो सकता है हमने उनको देखा हो नहीं देखा हो, अगर हाँ ज्यादातर लोग जो हैं हम अपने एटलीस्ट दादा दादी या नाना नानी तक को देखा हुआ है, या हो सकता है किसी ने बहुत फॉर्चुनेट है तो पर नानी पर नाना को भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है, एक तरह का डेटाबेस है ना। हमारे जो एक लीनेज है, आर एंसेस्टर लीनेज है, हम भले ही उनको हमने देखा हो या नहीं देखा हो, उसके बावजूद भी उनका रोल हमारी लाइफ में है। कैसे है हमारी लाइफ में उनका रोल? आपके पेरेंट्स का तो आपकी लाइफ में रोल है, पर उसके अलावा औरों का हमारी लाइफ में कैसे रोल है? आपको क्या लगता है क्योंकि हम कैसे? लोग डीएनए उन्हीं का है मैम, डीएनए वहीं से होते हुए आ रहे हैं। ओके, सो डीएनए में क्या होता है? मेरी हम लोग के पेरेंट्स पे जो पेरेंट्स के ऊपर जो ग्रैंड पेरेंट्स है, सारे पेरेंट्स है, उनके डीएनए वहीं से होते आ रहा है, और प्लस संस्कार भी वही देते 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 तो हम लोग आ रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से हम लोग को तो संसार देखने को मिला है। नॉट ओनली पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के ऑफ की वजह से भी। ओके, सो बेसिकली ये डीएनए में उनके बारे में सब नॉलेज है, वो उन्होंने किस तरह से लाइफ जी, उनके क्या क्या इश्यूज थे, उनमें क्या क्या टैलेंट्स थे, उनमें क्या क्या रिसोर्सेस थे, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस थे, वो सबकी मेमोरी आपके पास है, आपके सेल पे है, तो थ्रू दैट वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, या आप बोल सकते हो कि आप उनको एक्सेस करते हो या वो आपको एक्सेस करते हैं, राइट? दैट मीन्स देर इज अ पाथवे, एक पाथवे है जो फ्लो कर रहा है उनके थ्रू आप तक, और आपके थ्रू वो आगे भी जाएगा, राइट? तो जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, एंसेस्टर हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एक तरह से अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनके मन में कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई विचार होगा, या कोई थॉट होगा, या उनको लगता होगा कि उनको कुछ चीज को सॉल्व करना है, या कोई चीज को देखना है कि क्यों उनकी दुनिया उनकी जिंदगी में आ रही है, राइट? है ना? या वो ऐसे ही देखने आए हैं कि एंसेस्टर हीलिंग में बेसिकली क्या कवर होता है, राइट? लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो यहाँ पे आज आए हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तरह से उनका एक रोल है ये एंसेस्टर हीलिंग में प्ले कर रहे हैं, क्योंकि भले ही आप आज के दिन आप अटेंड करो, बाद में आप एसोसिएटेड रहो या नहीं रहो, उसके बावजूद जो भी आप सीखोगे या जो भी आप आज सुनोगे या जो भी है, वो कहीं ना कहीं आप उनको उसको इम्प्लीमेंट करोगे, या कहीं ना कहीं उसको आप यूज करोगे, राइट? सो
सो जब हम उसको यूज करेंगे, तो जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं या कोई भी वो की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की. तो भले ही हम ये नाम एक एंसेस्टर हीलिंग है, क्योंकि एक तरह से एक प्रथा है जो हमारे तक चली आ रही है और हमारे से आगे जाएगी, तो पर कहीं ना कहीं हमारा पर्पस है कि हम इसे यहाँ पे हील करें अपने पर, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, जिसके लिए हम एंसेस्टर्स होंगे, वो उस तक वो चीज, या तो वो चीज अगर ऐसी है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है, या जो चीज हमको कठिनाई डाल रही है, या कोई तरह की रुकावट आ रही है, या कोई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे नहीं बढ़े. और उसके साथ साथ हम जो, अगर चीजें जो अच्छी चीजें हैं या जो चीजें रिसोर्सेस हैं, वो उनको याद करके उन चीजों से बाहर निकल पाए, जिन चीजों में अगर हम अटके हुए, राइट? दैट इज अ पर्पस ऑफ हीलिंग. तो हम क्या है ज्यादातर, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बात की कि उनके थ्रू हमको बहुत सी चीजें मिली हैं, पर हम ज्यादातर चीजों में क्या बात करते हैं, ट्रॉमा या इश्यूज या प्रॉब्लम्स, या हम बोलते हैं कि ये सब जो हमारी लाइफ में हो रहा है, वो उसकी तकलीफें हमको उनकी वजह से मिली. लेकिन आपने क्या फोकस किया कि हमको जो जिंदगी मिली है, या जो हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, या जो हमने इनहेरिट किया है, वो है उनके गुण, उनके अच्छे विचार, उनकी शक्ति, उनकी कॉन्फिडेंस, और वो चीज हमको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है आगे बढ़ने, राइट? हमारी चीजों को हैंडल करने के लिए, है ना? तो इसके लिए उनको याद करना वैसे भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हम परमात्मा से शक्ति मांगते हैं, परमात्मा को बोलते हैं कि हमको राह दिखाओ, हमको आगे बढ़ने में मदद करो, उसी तरह से ये एंसेस्टर्स हमको गाइड कर सकते हैं आगे बढ़ने में. इसका मतलब ये नहीं कि हमको उनकी एनर्जी से टैप करना है, पर उनकी एनर्जी जो हमारे अंदर है, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू टैप, अंडरस्टैंड? तो जो भी हम हीलिंग कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, वो प्रोसेस हम अपने ऊपर एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो चीज वो हमको मिली हुई है, वो धरोहर हमारे पास है. सो आप ये मत सोचे कि एंसेस्टर हीलिंग मतलब कि हम जाके एंसेस्टर्स को हील कर रहे हैं, या उनके कुछ ट्रॉमास थे, उनके कुछ इश्यूज थे, उनके प्रॉब्लम्स थे, हम जाके उनकी चीजों को हील कर रहे हैं. हम कहीं ना कहीं हील अपने आप को ही कर रहे हैं.